एक छात्र के लिए अपने जीवन की सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ना, उच्च शिक्षा के उपाधि को प्राप्त करना, उसके सपने को वास्तव में एक नई उड़ान देने जैसा होता है। भाइयों बहनों, जब हम वर्तमान के उच्च शिक्षा के दीक्षांत समारोह की बात करते हैं तो यह प्राचीन गुरुकुलों की उस समावर्तन समारोह का ही एक नया रूप है जो गुरुकुलों में प्राचीन ऋषि परंपरा में परीक्षा पूर्व अपने को तैयार करने और नई कक्षा में जाने के पहले उन गुरुकुलों में आयोजित होते थे और उस समावर्तन समारोह का जो मंत्र है आज भी हम तैतरेय उपनिषद में जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उन मूल्यों उन जीवन आदर्शों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं तो मंत्र ही इस रूप में है कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। उसके पहले तो मंत्र इसी रूप में है और फिर आगे स्वाध्यायान्मां प्रमद, यानी स्वाध्याय में किसी भी प्रकार का प्रमाद न करना, किसी प्रकार का आलस्य न करना और फिर आगे के सत्य से, यानी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य से न हटना, कुशल कार्य से कभी भी आलस्य न करना, महान बनने के अवसर से कभी भी अपने आप को वंचित न करना, पठन पाठन के कर्तव्य से अपने आप को विमुख न करना, अपनी विरासत का सम्मान करना, यानी देवता और पितरों के कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोई प्रमाद यानी कोई आलस्य न होना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, इन सब का पालन करते हुए अन्यान्य दोष रहित कर्म के लिए सदैव अपने को तैयार करना, यानी यह दीक्षांत प्राप्त करने वाले किसी भी छात्र के लिए भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा मंत्र है जो जीवन में एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।